फ्रेंड, आज हम वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर के कोच चंदन सर से मिले हैं। इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुआ और ये देश के प्रति बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लड़के, युवा और वीपीओं को दरोगा बनाया, एसआई बनाया और सिविल सर्विसेज में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक ट्रेनर हैं, ये पढ़ाते नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, है ना। तो आइए आज हम वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर के कोच से कुछ उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सवाल चंदन सर से कि आप कितने साल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं? मैं लगभग 2 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उससे पहले मैं खुद एक स्टूडेंट के रूप में ट्रेनिंग किया हूँ। और मैं बहुत बचपन से ही एथलेटिक्स में इवेंट में पार्टिसिपेट करता था। 400 मीटर में, 1 किलोमीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर का एथलेटिक्स था और मैंने स्टेट लेवल पे खेला है। कई बार नेशनल भी पहुंचा हूं, लेकिन नेशनल के जाने के बाद उसके आगे मुझे रास्ता नहीं मिला, तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में के रूप में अपना करियर को शुरू किया। हमारा दूसरा सवाल चंदन सर से कि आपने जिन जिन को दरोगा बनाया वो अभी कहाँ कहाँ उपस्थित है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 150 बिहार पुलिस और 30 दरोगा, इसके अलावा और विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर अब बनाए हैं। कुछ आर्मी में गए हैं तो कुछ CISF, GDSS, GD से CRPF, BSF, बहुत सारे क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों और राज्य के विभिन्न जिलों में मेरा स्टूडेंट कार्यरत हैं और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं सब, है ना। तीसरा सवाल चंदन सर से बोलते हैं, एक छात्र नेता लाए हैं तो इनसे कुछ हम छात्र के बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या क्या वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जाना है। तो सबसे पहला सवाल इनसे कि आप वीर बताइए कि वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर कैसा है? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। बस दूसरा सवाल इन्हीं से कि आप छात्र नेता रहने के बावजूद आप दरोगा क्यों बनना चाहते हैं? हालांकि देखिए, लोग मुखिया से विधायक कहाँ बनता है। हमरो शौक है कि हम दरोगा बने, लोग के बीच आए और पूरे विद्यार्थी को बी ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी आएंगे उनको ट्रेनिंग बढ़िया से देंगे हमारे सर चंदन सर। और क्या यही रहेगा, हम देखिए कोशिश ही ना कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। आइए दौड़िए। तीसरा सवाल, आप दरोगा बनकर क्या क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले मेरा देखिए विद्यार्थी के लिए अहम भूमिका रहेगा। जो भी विद्यार्थी हमारे चंदन सर के से सीखेंगे उनको हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो दरोगा बने। और बिहार में देखिए 38 जिला ना है, 38 जिला ना है, जितना भी है हर एक थाना में कम 2-3 गो दरोगा चंदन सर के हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस काट दो।